एक पति और पत्नी चिड़ियाघर में घूम रहे थे तो घूमते घूमते वह बंदर के पिंजरे के पास पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि बंदर अपनी बंदरिया के साथ खेल रहा था। यह देखकर पत्नी अपने पति से बोली, देखे जरा अपनी पार्टनर के साथ कैसे खेल रहा है, इनका आपस में प्यार बहुत है। पति ने सुना और खामोशी से आगे की तरफ चल पड़ा। आगे चलकर वह शेर के पिंजरा के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दोनों दूर दूर बैठे थे। शेर अकेला एक कोने में खामोश बैठा था, जैसे शेरनी का उससे कोई वास्ता नहीं। ये देखकर पत्नी अपने पति से बोली, कैसे जानवर हैं? शेर को देखें कैसे अलग बैठा है, जैसे शेरनी को ये जानता ही नहीं। मुझे इनका आपस में बिल्कुल प्यार नहीं लगता। तो पति ने जमीन से एक पत्थर उठाकर अपनी पत्नी को दिया और कहा, जरा इसे शेरनी की तरफ फेंको। जैसे ही पत्नी ने पत्थर शेरनी की तरफ फेंका तो शेर दहाड़ता हुआ उस शेरनी की हिफाजत के लिए उसके आगे आ खड़ा हुआ। अब पति ने पत्नी को एक और पत्थर दिया और कहा, इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही बीवी ने पत्थर बंदरिया की तरफ फेंका तो बंदर अपनी बंदरिया को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए सीधा पेड़ पर चढ़ गया। तो पति ने अपनी पत्नी को समझाया, बंदर की तरह झूठे और धोखेबाज लोग अपने रिश्तों के खोखलेपन को छुपाने के लिए अक्सर प्यार का दिखावा करते हैं, और वहीं इसकी दूसरी तरफ शेर की तरह लोग भी है तो दिखावे से दूर छुप छुपा कर खामोशी के साथ अपनी जिंदगी को आराम से जीते हैं। बस यही कारण है कि आज के जमाने में हमारे इर्द गिर्द बंदर ज्यादा और शेर बहुत कम है।